सो गाइस, सबसे पहले आपको लेना है ये वाला बैकग्राउंड, एंड इसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो पे, एंड जो अपना मॉडल उसको ऐड करेंगे, एंड इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अपनी पूरी फ़ोटो पर। ये मैंने सेट कर लिया। इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से अरेंज कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड अरेंज करना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसे अरेंज करते हैं। इसको करते हैं डन, एंड फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे, एंड ये जो हमारा स्मोक का PNG है उसको ऐड करेंगे। कहाँ गया, ये रहा। इसके जाएंगे ब्लेंडिंग पे, करेंगे इसको स्क्रीन, एंड इसको अपनी फ़ोटो पे ऐसे लगा लेंगे, एंड याद करते हैं डन, एंड ऐड फोटो पे जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा ये PNG है, बाज का PNG, उसको ऐड करेंगे। इसको मैं इधर करता हूँ, एंड रोटेट पे जाके इसको रोटेट कर देता हूँ। ये ऐड हो चुका है, इसको करते हैं डन। मैं ऐड फोटो पे जाऊंगा, एंड इसके बाद इस वाली PNG को पूरे फ्रेम पर ऐड कर दूंगा ऐसे, एंड इसको मैं कर लूंगा ब्लेंडिंग पे जाकर स्क्रीन, एंड यहां से करते हैं डन। पिक्स आर्ट का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, एंड अब हम जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ पर करेंगे एक बढ़िया सी कलर ग्रेडिंग। फोटो को कर लेते हैं सेव। गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है, एंड इसके बाद हम जाएंगे शैडो को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, इतना परफेक्ट, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इतना परफेक्ट है, एंड ब्लैक को करेंगे कम। एंड इसके बाद हम जाएंगे मिक्स टूल पे, एंड जो हमारे ओ फेस का कलर उसको हम करेंगे माइनस, एंड लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, एंड ऑरेंज का जो है उसको भी माइनस करेंगे। ये ऑरेंज का भी मैंने माइनस कर लिया, एंड ग्रीन का भी माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें फ़ोटो में डार्क टोन देना है इसीलिए, और बाकी सबका धीरे धीरे माइनस कर देंगे। ये सभी माइनस हो चुके हैं, इसको कहते हैं डन, एंड अब जाएंगे फ़ोटो में देंगे हम क्लैरिटी, फ़ोटो को क्लैरिटी देते हैं 37, परफेक्ट है, एंड बिटनेट को करेंगे थोड़ा सा कम, 41 सही है, एंड शार्पनेस पे जाएंगे, फ़ोटो की शार्पनेस को बढ़ा लेंगे जिससे कि हमारी फ़ोटो HD में हो जाए, एंड नॉइस रिडक्शन को एकदम 20 पर ले जाएंगे, एंड डिटेल को कर देंगे फुल, एंड ये वाली डिटेल को भी फुल। इसके बाद हम फोटो में देंगे टोन, टोन पे जाने के लिए यहाँ पे जाएंगे, एंड ग्रेडिएंट को सिलेक्ट करेंगे, एंड इसके बाद मैं इसमें येलो टोन दूंगा, ये येलो पे लेकर जाता हूँ, एंड इसके सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, इतना परफेक्ट है, एंड गेट्स को करते हैं डन। सॉरी, हाईलाइट को भी मैनेज करना है, हाईलाइट को भी मैं ऑरेंज टोन में ही दूंगा, फ़ोटो के शार्पनेस पे जाऊंगा, एंड सिचुएशन को थोड़ा सा, मैंने 13, परफेक्ट है। आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारी पहले पिक्स आर्ट में कैसी थी, देखिए बिल्कुल रियल नहीं लग रही थी, एंड इसके बाद लाइट रूम में ले जाने के बाद देखिए कितनी हमारी फ़ोटो रियल लग रही है, फ़ोटो की क्वालिटी देखिए गाइस बिल्कुल कम नहीं हुई। गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पे बढ़िया बढ़िया कॉन्सर्ट डालता रहता हूँ। चलिए चलता हूँ, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड पीस, लव यू एंड बाय।